Wash hair, you will feel like why my hair is very thin is because of this. So next is this product is हाय हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू लॉजिकल फ्री यूट्यूब चैनल। तो मुझे तो बहुत भले अच्छी आशा करछी अपन माने समस्त बहुत भले थे। तो आज एक्चुअली मु बाहर छे हेयर ट्रीटमेंट करिया को ना मोर हेयर फॉल तो कम जाए हेयर फॉल बहुत कम जाए किंतु माने मो हेयर बहुत ड्राई और फ्रिजी रोचे। तो से भाविली गोटे किसी ट्रीटमेंट करेबी बोली आउ 6-7 दिन हेलानी मु एठी सर्च करथली कोठी भलो सैलून अछि आउ भलो माने को माने भलो काम करछन्ती कोन करछन्ती। तो बहुत खोजी खोजी मोटे पाइली सैलून टा एठी पाखरे ही सेटा। तो आम दिजन रेडी हो बाहर के जावा मुझे सहित कथा भी जाइए इंस्टाग्राम रे डिटेल्स मोर हेयर उपर। तो से कहते हैं स्टाइलिश को सी आगे चेक करेंगे मोर हेयर कंडीशन कौन अच्छी कौन ना। तो ता हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलतु डेरी करवानी बाहर माने ट्रीटमेंट तो अति कम 3 घंटा लगे से कहते। तो देखा जाऊ मत डर भी लगुच एक्चुअली मैंने मत 3 वर्ष होगा मो हेयर उपर किसी भी ट्रीटमेंट करनी 3 वर्ष होनी 2.5 वर्ष पाखापाखि हो। तो आज पुणी करुँ 2.5 वर्ष पर करी। तो टे डर लगुच फिर भी चलो ट्रीटमेंट तो कौन मुझे पचारि कि मानने तार साइड इफेक्ट अच्छे कि कौन अच्छे। तो से कहले कि ना ये तो गोटे ट्रिटमेंट हेयर हेल्दी यहाँ बना मैंने कराए। तो करदेवी भावुचे फर्स्ट टाइम मैंने मु मलेशिया 1 ईयर होगा आसली फर्स्ट टाइम मु कोटी गोटे कौ माने जाऊँगी कौ सैलून को माने मु जाए ही ना मो आईब्रो भी मुझे कर डर जाए ये माने एक्चुअली एटिकार लोकंर आईब्रोज न थाए। तो मु भावे बोधे मैंने आईब्रोज कले सब उठे उठा देव उपड़े उपड़े देवे। तो मु डर जाए। तो बाकी हेयर ये बहुत भल ट्रिटमेंट करती मुझे शुणी आउ ये सबू झील हेयर ट्रिटमेंट कराई था मैंने हेयर ये बहुत सुंदर तांकर। तो चलतु देखा केमती एक्सपीरियंस रोचे। तो आम आसिक पहुँच जाइए प्लाजा आर्केडिया मैंने यहाँ हूँ घर टू बहुत पाखरे आ बहुत एक्सपेंसिव जगाटा पूरा प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ। तो ये आम सैलून अच्छी आम जीपा पे ये हेयर स्टाइलिस्ट मोर हेयर कंडीशन स्कैल्पर कंडीशन कौन अच्छी से चेक करते एंड ता हिसाब से मत कौ ट्रीटमेंट नवा कथा से मोर ये डिस्कशन चलती। So next time maybe you have time, you can come back just for the scalp treatment will be better because scalp treatment will help to cleansing all the scalp follicle and then moisturizing your scalp. One time you can see the result already. So I will show you this. तो फाइनली मोर हेयर एंड स्कैल्प रो कंडीशन देखिकिना मते से सजेस्ट करले कि केराटिन ट्रीटमेंट नवा पई। तो केराटिन रे हेयर बहुत ही हेल्दी हिजबो आ स्मूथ भी हिजबो। तो सेति पई मो भी राजी हो गेली सेतिरे एंड फर्स्ट मोर हेयर वॉश करा होउची एंड ये मोर हेयर रे प्रोडक्ट यूज कराहब अध घंटार 45 मिनिट पर्यंत रेस्ट करने छाड़े। तो एरिकार स्टाफ मैंने भी बहुत फ्रेंडली आ बहुत ही भल भी होकर आल भी काम कर 3 घंटार टाइम अच्छी। तो होप कि मत कि बोर न लगू। तो ये देखिपे पूरा माने अध घंटार अधिका टाइम लगे मोर हेयर रे पूरा प्रोडक्ट लगे तांको एंड एबे मु लगे कि बस छी आउ ये देखंतु। तो आम आसिक पहुँचिले आरे आमको ये हनी वाटर एंड ता सहित किसी कुकीज एंड चॉकलेट्स भी देते से। तो या भितर अध घंटा 45 मिनिट हो जाए आबे जो प्रोडक्ट सब लगाई मो हेयर से सुखी जाए आगे सुखापी से ड्रायर यूज करेंगे और मोर आई मास्क गोटे लगे फेस्रे आबे ड्राए कर हेयर को तो ये देखिपे मोर पूरा 90% हेयर ड्राई हो जाए। तो ये मोर हम हेयर आयरनिंग तो यापाई भी बहुत टाइम लगी जाए तो टोटल से कही कि मते ये पूरा प्रोसेस रे 3 घंटा टाइम लगे तो ये पखापाखि 2.5 घंटा हो गलानी। तो पूरा ट्रिटमेंट सरला पर्यंत 3 घंटा कम्प्लीट हो पूरा 3 घंटा बसवा इजी कथा नुहे आए भी बिचरा मोपाई बस 3 घंटा है कौन करवा सांगरे आसचंती तो वेट करिया पड़ो ही। तो ये मोर प्रोसेस स्टार्ट हेयर आयरनिंग रो या परे से मैंने पुणी मोर हेयर वॉश करेंगे एंड तापर हेयर मास्क भी यूज करेंगे। हेयर मास्क यूज पर आम पुणी आसिक हेयर ड्राई करवा देन आम घर को जावा। फाइनाली हेयर आयरन पर एबे मोर हेयर वॉश हो एटा विदाउट एनी शैम्पू रे हेयर वॉश होपर पुणी हेयर मास्क यूज हम आईटा भी 10-15 मिनिट पर्यंत रखा पड़े एंड ताकू भी नॉर्मल वॉश करके आम पुणी हेयर को ड्राई करवा तो सेतबले ही हमर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हम। तो एबे मोर देखिपे हेयर ड्राई होची एंड या परे मोर फुल लुक मु आपनकू देखिबी। तो फाइनली 3 घंटा मोर बसे कि अंटा पिठी पूरा दरज हो जाए फिर भी मुझे बहुत खुशी अच्छी कहीं मो हेयर पूरा डैमेज फ्री फ्रिज फ्री हो जाए और बहुत ही स्मूथ आउ शाइन भी करुचे। तो यांकर स्टाफ भी बहुत भल और बहुत फ्रेंडली मत तो बहुत भल लगे और वर्क भी बहुत भल था यांकर तो सबकिछ भल था आगु को देखा जाऊ कौन रिजल्ट रोचे एंड मुझे सबू किसी अपडेट देवाई आपको ट्राए करी ब्लॉग थ्रो रे। तो आफ्टर ट्रिटमेंट आम जाइलु किसी मेकअप आइटम आक्चुअली मोर बहुत किसी जिनस सरी आउ ये भी बहुत भल प्रोडक्ट आउ टे नॉर्मल रेट रे भी मिल जाए तो से बहुत सारा शॉपिंग भी करदेली यूँ आउ जहाँ भी सरी आ जहाँ भी सरी नाला से सब जिनस भी मुझे उठे देती। तो फाइनाली आज माने टोटल जिनस कंप्लीट हो गला मेकअप आइटम भी आसीगला एंड हेयर ट्रीटमेंट भी हो गला। तो मुझे घरे पहुँचिकी घरे दुनिया कम था और काली भी आम बाहर तो से आमको बहुत सारा कम करार पैकिंग वैकिंग भी था तो से मुझे आसिक पहुँचिकी भिड बन पार नी आई भिडटा मुझे बनई मोर माइक मुझे जानी कौन प्रोब्लेम होता तो शुणाऊन से मुझे वॉइस ओवर दूसरी। तो हेयर ट्रीटमेंट उपर जब आपर किसी कन्फ्यूज फ्यूजन थी ताले आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणे परबे। तो केराटिन ट्रीटमेंट एक्चुअली सेही माने करिया कथा जो मानकर हेयर डैमेज आउ फ्रिज ही जाइतबो आउ जो माने तांको हेयर रे केमिकल अप्लाई करथिबे जेमति कि मु करथिली हेयर हाइलाइट करिथिली बहुत दिन पूर्वरु आउ जो माने भी कलर करथिबे सब ए सब हेयर पई माने केराटिन ट्रीटमेंट बेस्ट आउ सेटा जो मानकर बहुत अधिक डैमेज हो जाइतबो से मानकर ए ट्रीटमेंटटा बहुत दिन पर्यंत लास्टिंग करे आ से मते कहिले कि जेहेतु मोर हेयर एत मात्रा डैमेज होनी तो यहाँ मोर बेसी दिन रही तो सी तो कही 6 मंथ रोली बाकी देखा जाऊ एंड सी भी मत गोटे हेयर मास्क आउ शैम्पू दौले बाकी आम नहीं आसलुन ये कहीं गोटे प्रॉब्लम कि सबू जगार सबू जिनसर प्राइस सेम न थाए बहुत जगह बहुत हाई थाए बहुत जगह बहुत मानने कम थाए आमर जमी इंडिया प्राइस डिफरेंस न थाए जो जहाँ थी बहुत कम डिफरेंस थाए तो सेठी बहुत अधिका डिफरेंस रुए तो आम बाहर आने से नहीं कि आसलुनि तो देखा जाऊ कौन रिजल्ट रोचे आगू को आउ मु ट्राए करी सबकि आपण सहित सेयार करने माने भाभी कि केवल कैरेटिन आपण माने जो पूरा हनेस्ट रिव्यू देवी बोली जमती कि आपण माने करेंगे या फिर नाई या फिर कौन आगू को मोर रिजल्ट रोचे तो से कहीं यार प्राइस भी बहुत अधिका रोचे तो प्राइस अनुसार आमको जब रिजल्ट न मिलूचे बहुत दुख लगे एक्चुअली तो से ट्राए करी आपण सब अपडेट देवाई आउ एबे तो मते बहुत भल लगुच हेयर पूरा स्मूथ हो जाइए आउ बहुत ही सुंदर भी देखा जाउची एंड से कही कि 3 दिन हेयर वॉश न करने आउ जदि बहुत ऑयली लगे देन मु माने हेयर वॉश करी तो मुझे भाभी करनी घर गले हेयर वॉश करी आउ जेतु मो पाखे एवं शैम्पू कि कंडीशनर किसी ना तो देखा कौन यूज करहब तो सहीटा भी गोटे आउ घर को जावाई बहुत एक्साइटेड मु अच्छी जेहेतु आम काली ही बाहर घर को तो गोटे दिन से पूरा हेयर को छाड़िक रखापी कहते कि भी न यूज करने क्लोजर वगैरह तो मुझे यूज करूनी आदि मुझे इंडिया था मो अवस्था पूरा 12 बजे था जो मात्रा खरा गरम हो तो मुझे पूरा मरी था तो ये मुझे करईदेली आ भल देखा कौन रिजल्ट रोचे तो आउ कि भी जब कन्फ्यूजन थी आपर कमेंट बॉक्स निश्चित भाव में जनइबे मुझे कमेंट रिप्लाई करने ट्राए करी आउ लास्ट भिडियो बहुत सारा भल पाइबा देते बहुत कमेंट करते तो बहुत थैंक यू आउ पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे टिल देन टेक केयर टाटा बाय बाय।